अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको स्टेज पर मौलाना की चंद अजीबो गरीब वीडियोस दिखाएंगे। और एक तो मौलाना के क्या ही कहने, जिसकी बयान के दौरान सलवार ही उतर गई, आखिर इसकी वजह क्या थी ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो सब्सक्राइब के रेड बटन को ज़रूर दबा दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले ये वीडियो देखें। ये जमात इस्लामी का जलसा चल रहा था कि अचानक किसी कम बख्त की इस जलसे को नज़र ही लग गई और स्टेज धड़म नीचे आन गिरा। लोग तो डर के मारे भागने लगे थे कि शायद स्टेज नहीं गिरा, यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तान रुक जा। अब ये देखें, सीन तो वैसा ही है, बस थोड़ी सी तब्दीली है। जब रुको जरा, सबर करो। बोला ये मौलाना साहब बयान कर रहे थे और फिरका वारियत की आग भड़का रहे थे कि अचानक इसकी सलवार घश खा के नीचे जा पड़ी और इस जनाब को पूरे मजमे में शर्मिंदा होना पड़ा। यहाँ के फारिगिन तबलीग इस तरह करेंगे, सारे बरेलवी को हम देवबंदी वक्त में शामिल और हासिल कर लेंगे। नारे दीन, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये है मौलाना मंजूर उर्फ टोके वाली सरकार। ये टोका अक्सर अपने साथ ही रखता है और इस बयान के दौरान इसका टोका मेरे ख्याल से इसकी कुर्सी के नीचे ही कहीं अटक गया था, जो कि इसकी तकरीर के दौरान हालत इतनी ख़राब हो रही थी। यहाँ महफिल नात के दौरान एक मलंग आ जाता है और नात ख्वां से माइक पकड़कर क्या कहता है आप खुद ही सुन लें। रसूल अल्लाह सल्लम कया हबीब अल्लाह, इसे कह दो बस करो। पढ़ा दे।